सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करतनी, धरती पर बैठे धरती माता के प्रणाम करतनी, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करतनी, हमारा प्रणाम स्वीकार होके। आप सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरण में प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार होके। आई दीदी आप लोग के बीच में वो कथा सुनावतनी, आप लोग सुने ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें। ये कथा भी आप लोग के बहुत अच्छा व कथा आप लोग सुने। देखिए दीदी, एगो गांव में एगो गुरु बहना रहत रहली, जहाँ बियाह भइल है दू भाई रहे लोग, ये छोट रहली सबसे, इनकरा से बड़ एगो जेठान रहली इनकर। आ देखिए दीदी, इनकर जौन रहल सन चार गो बच्चा रहल सन, छोट छोट चार गो बच्चा रहल सन। आ इनकर जौन मरद रह न, बड़ा दारू पियत रहलन, बहुत दारू शराब पियाँ। आ ई का करम, महादेव के बहुत भक्ति करम, पूजा पाठ करम, बचपने से पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ध्यान देत रहली, तैयो बहुत ज्यादा पूजा करत रहली, पूजा पाठ करम, जनते मानी पटीदारी के मामला। जब इसी चर्चा में जा तब जेठनिया ऋषि आ जा, कहे कि इसी चर्चा में चल जा, तली हम ही खाना बनाई, हम ही माजी धोई, रोज 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 यही कर, ऊ का कर बेचारी। दो चार दिन भइल, जब यही रोज रोज होके लगल, तई बड़की जेठनिया कहती है कि एगो काम कर हमार, तू एक टाइम तू खाना बनाओ, एक टाइम हम बनाए। कहली ठीक बा दीदी, अब कहें परेशान होनी, अब दोनों टाइम खाना मत बनाए, बाप बड़ बानी हम छोट बानी, हम दोनों टाइम खाना बनाए। अब बड़की जेठनिया खुश हो गई, कहल ठीक बा, का करें बेचारे, जन छोटकी शिष्या रही, उस सुबह रहू खाना बना दो, सजियो के बना दो, माल धो दो, सब काम कर दो। कैला के बाद जब समय बचे, जब जाए के रहे जौने समय शिव चर्चा में, वो समय जल्दी जल्दी बर्तन उर्तन माज के, आ वो समय पर अपन काम खत्म कैला के बाद शिव चर्चा में चल जा। अब उतना काम कैले के बाद भी जौन जेठान रहे, ओकरा ई हो गई कि अब इस शिव चर्चा में चल जाती है, एक बच्चन के हमके देखे के पड़ता। तो देखी दीदी, जौन जेठान रहे कहलस कि आज से एक सबक सिखेबे कर, रोज के एक आदत हो गई बा, रोज का करती शिव चर्चा में चल जाती है, लैकन के हमारे बस छोड़ के चल जाती है, एक लड़का जौन बड़ा सन एक नंबर के दई के दूत बड़ सन, जब देख तब हमारे लड़का से बाजत रह सन का भैल की अबे ये कहते रहे, तो दोनों लड़का लड़का अपने में लड़ाई कर लेल सन, लड़का लड़का लड़ाई कर लेल सन, तो गैली छोड़ौली, छोड़ा के अली, कहली इतना दई के दूत बड़ सन कि हमारे लड़का के कपार मार के फाड़ देते सन, लड़ाई कर तर सन, उनकर जन छोट को रही उनकर लड़का का कैल लड़ाई लड़ाई में छोट बच्चा रहल सन, पत्थर मरना बस उनकर छोट उनकर जो लड़का रहे वो लड़का के कपार फाट गई, जन उनकर जेठानी रही जेठानी के लड़का के कपार फाट गई। आ जेठानी का कैली कि ऋषिया के आके अपने छोटका जन लड़का रहे वो लड़का के थपड़े थपड़े कई थप्पड़ मरली। ओकरा बाद से कहली कि तोर माई नहीं खे तो हमारे लड़का के खा चबा जेबे, ऋषिया के कहली कि तोर माई तो नहीं के, तोर माई रोज शिव चर्चा में चल जाती है, कहें तोर माई शिव चर्चा में आते के का कर जाती है, ते बारे तो हमारे लड़का के लाख चबा जेबे खा जेबे। कहली कि अब तो एक छोड़म नहीं, अब कुछ भी हो जा, या तो घर में रह के अपन लड़का के देखे नहीं तो अपन लड़कन के लेके जाओ जहाँ जाती है, असल बात वह मजा मारे के तो मिलत नहीं के, लड़कन के लेके जाई तो मजा मारे के कहाँ से मिली, वो ये जाई तो नाची गाई बजाई ना, अपने शिव चर्चा में चल जाती है, ओकर लड़का हमनी के कपारे पर टांडव मचाओ तर सन। तो देखी दीदी, जो जेठनिया रहे का करे कि वही जब खाना निकाले तो अपन लड़कवन के दे दे, आ ऊ लड़कवा मांगो से तो कहे कि तोर माई आई तो खाइए, तो अपने बच्चा के ध्यान रखे लेकिन ओकरे बच्चा के ध्यान ना रखे। एक दिन का भइल कि जैया ओकर कपार लड़का के फट गई, ओकर मरद आइल, जब छोटका के मरद छोटकू अलन, मतलब जो उनका जेठानी रह जो शिष्या के मरद रहलन, शिष्या के मरद अलन, तो हर वक्त वो पियते रहना, उनके खाली दारू शराब चाहे। तो देखी दीदी, वो दारू बहुत ज्यादा पी ले रहलन, पी के अलन, तो कहत रही कि हो छोटकू आ तोहर मेहरारू मान के नहीं खे, अब न अब देखत नहीं तो तोहरे हाथ से निकल जाये। तो वो कहलन कि काहे ऐसा का भइल, आ तो का भइल का, रोज तोहर मेहरारू चल जाती है शिव चर्चा में कि का जाने कहाँ जाती है के जाना था, तोहरे लड़कन के छोड़ के जाती है, तोहर लड़का मार के हमारे लड़के कपार फाड़ दे लेबा। का कैलन अपने लड़का के मरना पीटना मार पीट के, उ लड़का के मरना पीटना, आ जब पिटा उटा गई लड़का तो चुपचाप से जाके सुत गए। जब उसी चर्चा में से अली छोटकी शिष्या, तो का बोल कि इनकर मरद तो पिय कर, अब लगना इनके मारे, आ जब इनके मार पीट द तो जेठनिया खुश हो जा, फिर जा फिर आवे तो चढ़ा दे कि तुहार मेहरारू वजू गई, आज तो खूब नया नया कपड़ा पहन के साड़ी पहन के गई बिया,
खूब बढ़िया से हाथ गोड़ रंग के गल भी जरूर के कोनो बात ही बात दिखावे जाती है। फिर का कहना जितना बार चढ़ावे उतना बार उकर मरद जन रहना बहुत मारा बहुत गरिया में बहुत गंदा गंदा गाड़ी द मारा पीट। फिर आव शिष्य शिव चर्चा में से आ फिर पी के आव तो फिर लग मारे। एक दिन जब यही मारत मारत रहना तो पार्वती माता शिव गुरु कैलाश पर रहे लो। पार्वती माता कहनी कि का ये भोला ये बताई आपके नमो में भोला बा कि सचो में भोला बानी। महादेव कहनी का भाई अत का भाई रे तनी देखी न हो हौरा शिष्या भी है बेचारी दिन भर पूजा पाठ करती है आओ एगो जेठान भी है ओकर जेठान चढ़ा देती है ओकर मरद आओ तो मारत तनी ओकर दिमाग में तनी घुसती ओकरे मर्दा के ओकरे दिमाग में तनी ओकर मत मरती फेरती तो उतने रौरे शिष्या के मानित जानित। महादेव कहनी कि हम का फेरी उ तो पियले में मस्त बा बेचारा दारू पियता। पार्वती माता कहनी उ जरूर रौरे पूजा कैले होई यही से अड़भंगी मरद मिलल बा। महादेव कहनी कि बताओ अड़भंगी तो हम बानी तो आज तक तो तुहरे ऊपर हाथ तो नहीं क्यों उठौली। कहली इत बा सही बा लोग खाली रौरा के अड़भंगी कहेला बाकी आप तो अड़भंगी नहीं कि आप तो जगत के गुरु बानी आ रौरा बहुत हमके माने नी तो ये महादेव कुछ करी कि जेगा हमार और आपके जोड़ी बनल बा ओहिंगा वो शिष्या के जोड़ी बन जाओ। का भइल कि महादेव के कृपा रहे उ अली शिष्या आई पी के बहुत ज्यादा आई रहलन जन उनका मरद रहना शिष्या के पी के बहुत आई रहना लगना मारे जब मारे लगना तो रोए लगली शिष्या आ रो के कहली का ए महादेव इतना दिन से राउर भक्ति करत तनी ये दिन देखे खाती आ अरे कहियो तो करे मनवा में समाई मतिया मारी आप तो दुनिया के मत मार देनी तो एगो हमरे मर्दे के मत नहीं मार सकेनी कि राउर भजन कर तीन तो कम से कम वो भजन नहीं के कर कम से कम हमारा के तो भजन में जाए देव। शिष्या रोए लगली रो रो के महादेव के गुहार लगौली ओकरे बाद से उनकर मरद फिर अना उनकरा के मारे खाती। महादेव का कहनी उनकर मन में समा गईनी जब मन में समा गईनी तो उठना मारे खाती तो उनकर मन मुँह से जो उनका मरद रहना उनके मुँह से कई चीज निकल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दो तीन बार ओम नमः शिवाय कहलन तो जान गईली कि महादेव इनके कंठ में समा गईलन। फिर जब समा गईलन शांत हो गईलन तो शिष्या रोवे लगली आ अपने मर्द के समझाओ तरी का समझाओ तरी आई ये गीत के माध्यम से आपके सुनाओ तनी। अरे पियाला के छोड़ी दो धेनवाए बालो पियाला के छोड़ी दो धेनवाए बालो शिव गुरु के कोइलो भजनवाए बालो शिव गुरु के ले लगे नवाए बालो शिव गुरु के ले लो पियाला के छोड़ी दो धेनवाए बालो ले लो न गुरु के गया नवाए बालम ले लन गुरु के जहिया से मोर पिया बले बगया नवा ले बगया नवा होले बगया नवा छूट जहिया हो पिया पियल सरा बाबा पियल सरा बाबा हो पियल सरा बाबा गुरु जी हमरो होए महानवाए बालम ले लन गुरु के गया नवाए बालम ले लन गुरु गया नवाए बालम ले लन गुरु के पियाला के छूट जाय ध्यान नवाए बालम ले लन गुरु के गया नवाए बालम ले ल शिव गुरु के गया नवाए बालम ले ल शिव गुरु के पियाला के छोड़ दो ध्यान नवाए बालम ले ल न गुरु के गया नवाए बालम ले ल न गुरु के गया नवाए बालम ले ल शिव गुरु के गया नवाए बालम ले ल शिव गुरु के। तो देखी दीदी लगली शिष्या समझावे जान गईली कि अब तनी दिमाग ठंडा बा समझौली आ महादेव स्वयं उनकरे मन में समा गईनी समैला के बाद उनके ऐसा बुझाई
कि हम स्वर्ग में जातनी। आ इतना खुश हो गईलन, खुश होके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करे लगन। अपने मेहरारू से कहना कि हम बड़ा बहुत बड़ौन गलती कैले बानी, भैले तो के मरले बानी, पिटले बानी, कबई ना जननी कि भजन का होला, ना कबू बाजले अगरबत्ती जखौनी, आ तू जात रहलू हा तो हमरा पता ना का हो गई लह कि हम तहरा के मारत रहनी हा। कली देखी जी हम जवन करत रहनी हा, रौरे लोग खातिर करत रहनी, अपन बाल बच्चा खातिर करत रहनी हा। शिव चर्चा में गई कोनो गुनाह ना हा, शिव चर्चा में जात रहनी है, सब औरत आवत रही सन, वही जब भजन करत रहनी, कीर्तन करत रहनी, नाचत रहनी, झूमत रहनी हा, मन भगवान में लागल रहत रहल। यही से हम रोज समय से अपन खाना बना उना के चल जात रहनी हम, लेकिन रौरे मन में का हो गई लल कि इतना शक करत रहनी, इतना हमके मारत रहनी हम। वो कहलन कि चला आज के बाद से कबो हम नहीं करब महादेव, उनके मन में समयनी है दीदी। आ पूरा परिवार शिव चर्चा में जाए लगल, इनका मर्द दारू शराब छोड़ दिलन, आ दारू शराब छोड़ के इनकरा से ज्यादा जल्दी उनकरा हो गए। ई अबे खाना बनावत रह माजा धोवा तौले, इनकर जन मरद बना शिव चर्चा में पहले भाग जा। ई महादेव के कृपा भइल उनकरे ऊपर, आ पूजा पाठ करे लगलन, पूरा परिवार शिव भक्त बन गई। हे शिव गुरु महादेव, जैसे आप सबके बुद्धि ज्ञान देनी वैसे हमके भी बुद्धि ज्ञान दे। हमार पूरा यूट्यूब के माध्यम से हमके देख रहा सभी गुरु भाई गुरु बहना के बुद्धि ज्ञान दे, आपके चरण में बुलाई, सबके आशीर्वाद दे, सब पे दया बरसाई हे महादेव। तो आई दीदी आज के कथा जौन बा शिव गुरु के चरण में विराम करतनी, फिर से मिलतनी अगले कथा में। आप लोग देखत रही, अगर हमारे चैनल पे नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। हम लोग हर हर महादेव लिखला से आप लोग के पूरा दुख परेशानी दूर हो जाये। और भोलेनाथ के कथा बात तो आप लोग के कथा के पूरा सुनने के चाहे, और हमार ऐसन कथा होला कि उमे गीत भी रहेला, तो आप लोग के बहुत अच्छा लगी, आप लोग सुनी, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे। आज खाती इतना ही, फिर मिलब अगले कथा में। तो बोलिए हर हर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। धन्यवाद।